YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। भवनाथपुर थाना क्षेत्र के बेलाफारी गांव निवासी 37 वर्षीय सुनील शाह बिजली बनाने के क्रम में पोल से गिरने से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। सुनील का इलाज वाराणसी में हो रहा है। परिजनों ने कर्ज लेकर जमीन गहना गिरवी रख अभी तक इलाज चलाया। पैसे के अभाव में दवा भी नहीं खरीद पा रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे सुनील की स्थिति नाजुक होते जा रही है। विदित हो कि सुनील शाह इकलौता घर का कमाऊ व्यक्ति है। भवनाथपुर निवासी स्टर्लिंग कंपनी सत्येंद्र सिंह अपने मुंशी हरिहरपुर निवासी बबलू सिंह के निर्देश पर सुनील शाह विद्युतीकरण का काम कर रहा था। 9 मार्च के सुबह 9:30 बजे पोल से कार्य करने के दौरान गिर गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। पत्नी गीता देवी ने संवेदक सत्येंद्र सिंह के खिलाफ स्थानीय थाने में FIR दर्ज कराया है, ताकि कंपनी से शीघ्र ही मुआवजा मिल सके। नहीं। और इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? पैसा मांगना चाहते हैं। मतलब आप मुआवजा की मांग करते हैं? जी। कि बिजली विभाग में काम किए हैं, अगर एक्सीडेंट होगा तो मुआवजा देगी। स्वाभाविक बात है कि मुआवजा आपको मिलना चाहिए। पैसे मांगा। अच्छा, अभी इनका इलाज रुका हुआ है? जी। किस लिए रुका हुआ है? पैसा के चलते। अच्छा, इनका कमर मतलब एकदम वो डैमेज हो चुका है? जी, पैर में चल रहा है। ठीक। कुमार गुप्ता है, घर बेल पहाड़ी है। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे हुआ घटना? सर, घटना हुआ है हरिहरपुर डगर में, काम कर रहे थे लाइन पोल बिजली वाला में। उसमें पोल पर से सुनील साहब गिर गए। अब इनका पीठ का रीढ़ का हड्डी टूट गया। गए बनारस में दर्द दवाई इलाज कराए और ठेकेदार जो हैं एको पैसा नहीं दिए। देने के लिए बोले थे 5,000, वो भी अभी तक नहीं दिए। और ना 5,000 हम लोग भी स्वीकार नहीं किए। इनका रीढ़ का हड्डी टूट गया जी। और जो है विभागीय कोई लाभ अभी तक नहीं हो पाया है ना? ना है, विभागीय इलाज कुछ नहीं हुआ है। जिस समय इनका एक्सीडेंट हुआ था उस समय ठेकेदार आए हुए थे स्थल पे? हाँ, आए थे, फिर नहीं पहुँचाए ना, फिर वहाँ मिले हॉस्पिटल। मतलब एक्सीडेंट हुआ, ये जो है 2-3 घंटा तड़पते रहे, कोई सुधी लेने वाला कोई नहीं पहुँचा वहाँ? कोई नहीं पहुँचा। फिर अपने से हम लोग जो काम कर रहे थे वही टेम्पू करके तो नजदीकी कोई हॉस्पिटल में गए। घटना कब का है, किस दिन का है? दिन शनिवार था। तारीख? और तारीख 9 मार्च। 9 मार्च को घटना हुआ, लेकिन अभी तक प्रशासन भी FIR करने के लिए वो नहीं कह रहे हैं। नहीं, कहाँ नहीं भी हुआ, अभी तक भी FIR नहीं हुआ है।